देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में निधन। इस खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे और अपार दुख में डाल दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में इनकी पत्नी मधुरिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसरों की मौत हो गई। एक बार तो इस खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल था। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर सेना की सेवा और फिर देश का पहला CDS बनना, जरा सोचिए जनरल बिपिन रावत का सफर कितना दिलचस्प रहा होगा। 16 मार्च 1958 में जन्मे जनरल रावत को सेना में दिलचस्पी विरासत में मिली। इनके दादा सेना में थे, इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल थे और चाचा फौज में हवलदार रिटायर हुए। 1978 में ये IMA से पास आउट हुए और 16 दिसंबर 1978 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में इन्हें नियुक्ति मिली। इन्हें यहाँ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अकादमी के बेस्ट कैडेट को दी जाती है। फौज में इनके अनेक महत्वपूर्ण योगदान हैं, जैसे वर्ष 1986 में ये LAC पर इन्फेंट्री बटालियन के प्रमुख रहे। कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर 1 और 19 इन्फेंट्री डिवीजन का नेतृत्व किया। वर्ष 2008 में इन्होंने कांगो में संयुक्त राष्ट्र की सेना का नेतृत्व किया। पूर्वोत्तर में आतंकवाद कम करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2015 में जनरल रावत के नेतृत्व में ही म्यांमार की सीमा में घुसकर भारतीय सैनिकों ने आतंकवादियों को मार गिराया था। कश्मीर में इन्होंने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी कमांड रहे। ये सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं। दिसंबर 2016 में इन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। देश में सैन्य सुधार में जनरल रावत की अहम भूमिका रही है। CDS बनने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के लिए 5 थिएटर कमांड की घोषणा हुई, जिसका रोडमैप जनरल रावत ने तैयार किया। इन्होंने जोर दिया कि सेना में बजट का रैशनलाइजेशन का मतलब खर्च प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इनके मार्गदर्शन में सेना के नवीनीकरण पर काम काफी तेजी से चल रहा था, जिसमें सबसे प्रमुख था फौज में डाउनसाइजिंग, मतलब सीमा पर स्टैंडिंग आर्मी को कम करके तकनीक से देश को सुरक्षा देने पर जोर। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने का प्लान जनरल रावत ने ही दिया था। IBG की तैनाती चीन पाकिस्तान सीमा पर होनी थी। सरकार के सामने सेना के कई रैंक के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव भी रखा। जवानों के वेलफेयर के लिए इन्होंने कम समय में ज्यादा काम किया। जनरल बिपिन रावत के CDS बनने के बाद फौज में यूनिफॉर्म में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी झलक कुछ ही दिनों में पूरा देश देखने वाला है। पहली बार फौज में महिलाओं की तैनाती CMP यानी कोर ऑफ पुलिस में हुई, जो इनकी ही पहल थी। इसके अलावा भी तीनों सेनाओं से जुड़े कई मुद्दों पर ये काम कर रहे थे। CDS जनरल बिपिन रावत का यूं चले जाना किसी संस्थान का ही नहीं बल्कि देश का बहुत बड़ा नुकसान है। वर्ष 1996 में इससे पहले जनरल बिपिन चंद जोशी का थल सेनाध्यक्ष रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ था। अपने भाषणों में कई बार जनरल बिपिन रावत जनरल जोशी का जिक्र किया करते थे। जनरल बिपिन रावत को फौज का शेर कहा जाता था। हर सवाल का बेबाकी से जवाब देना इनकी सबसे बड़ी खूबी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी इनकी मुस्कान कभी ना भुलाने वाली है। इनके योगदान को पूरा देश याद रखेगा। जनरल बिपिन रावत को संसद TV का सादर नमन।